हेलो बच्चों, चैप्टर टू की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, क्लास नाइन्थ मैथ एनसीईआरटी बुक। ओके, और क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, एक इक्वेशन दी है पी एक्स इक्वल टू 3x+1, जिसमें एक्स की वैल्यू -1/3 पुट करनी है। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमें ये वैल्यू लगा देनी है। और इक्वेशन क्या है, पी एक्स, क्योंकि इक्वेशन में एक्स है बच्चों, इसलिए यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इक्वेशन में वाई होता तो यहाँ पर पी वाई लिखा होता। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों पी -1/3, जो कि एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, उसको एक्स की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वल टू 3 × जो हमारे इक्वेशन ऊपर गिवन है, एक्स की जगह पे लिखेंगे -1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक्स 3 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे +1। इक्वेशन को अपना पूरा करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 1 यानी कि -1 बचा, और यहाँ बचा +1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बस इक्वेशन में जो भी एक्स की वैल्यू गिवन होगी उसे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से अपना आंसर बता देंगे। इसने यही तो पूछा है कि कौन सी इक्वेशन में जो इसकी वैल्यू है वो जीरो होगा। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 5x-5। अब यहाँ पर इक्वेशन ये दी है और उसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4/5। ठीक है, इसको एक्स की वैल्यू में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पे पुट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी पी 4/5 इक्वल टू, अब यहाँ लिखा है 5 × x, यानी कि 5 × 4/5 -5 एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 से 5 कट हो जाएगा, 5 × 5। ठीक है, बचा यहाँ पर 4 -5। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 -5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, पी 4/5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सो एक्स इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हमने पुट की थी एक्स में, वो ज़ीरो नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 2x-1, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1 दोनों पुट करनी है। ठीक है, बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे पी 1 इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 की पावर 2 -1। अब यहाँ पर 1 की पावर 2 हो जाएगी, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू रखेंगे बच्चों -1, तो यहाँ लिखेंगे पी -1 इक्वल टू -1 की पावर 2 और -1। ठीक है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 × 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स 1 और -1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 1 और x-1। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, पहले रखनी है -1 और फिर रखनी है 2। ओके, अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पी -1 इक्वल टू एक्स की जगह पर -1, और +1 लिखेंगे ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है इक्वेशन में, फिर एक्स की जगह पर -1 और -2। ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0, और बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 ही आएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या आया था, -+1 था, तो ये 0 आ गया, और -1 -2 इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -3,
तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा इंटू 2 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्लस 1 होता है 3 और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड किया था तो 3 आया, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आया, और क्या हो गया, 3 इंटू 0 क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ओके, तो दोनों की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, x इक्वल टू माइनस 1 और 2 आर ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 और यहाँ x की वैल्यू उठनी है 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी 0 इक्वल टू 0 की पावर 2। 0 की पावर 2 हो, 100 हो, 1000 हो, तो 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, लिख देंगे पी 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 0 इज ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में भी लिखे हैं आंसर, उसी तरह से यहाँ पर भी लिख देंगे। ओके, इसी का सिक्स्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, ये यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। अब लिख देंगे पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल इंटू ब्रैकेट में माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ओके, और यहाँ पर बचेगा माइनस एम प्लस एम, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ आंसर लिखेंगे पी माइनस एम अपॉन एल, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी बच्चों, ये रखी थी। ठीक है, इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जब आंसर 0 आएगा तो वो पॉलिनोमियल का 0 होगा। ओके, इस तरह से आंसर लिख देना है। इसी क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट है बच्चों, इक्वेशन दी है 3x की पावर 2 माइनस 1 और x की वैल्यू एक बार दी है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और दूसरी वैल्यू दी है 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट करनी है x की जगह पर। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमें पुट करना है माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, पहला नंबर हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे पी माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू, फिर ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों क्योंकि दो साइन इकट्ठे आएंगे, और 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और इसकी पावर कर देंगे 2 और फिर माइनस 1 जो कि लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब रूट 3 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। यहाँ पर माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, और रूट 3 इंटू रूट 3। पावर 2 का मतलब होता है इन्हीं नंबरों को दो बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूँगी 3 इंटू 1 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि दो रूट वाले नंबर जब पेयर बन जाते हैं तो वो हो जाता है विदाउट रूट वाला नंबर। या तो आप रूट को अलग अलग लिख लो या फिर एक ही रूट में दो बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 1 अपॉन 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1 और माइनस 1। ठीक है, 1 और माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें इक्वेशन में दूसरा नंबर पुट करना है, लिखा है 2 अपॉन रूट 3। अब हमें ये वाला नंबर जो है वो इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ लिखेंगे पी 2 अपॉन रूट 3 और इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू और 2 अपॉन रूट 3 और इंटू 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, पावर 2 लिखा था तो मैंने उसको सीधा ही एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, इसकी पावर 2 लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, और फिर लिख देंगे माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर 2 है इसलिए मैंने दो बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4 अपॉन रूट में 3 आएगा 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 3 और माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो ज़ीरोज नहीं होगा, पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं ना ये हमसे क्वेश्चन में। ऊपर वाले पार्ट में हमारा आंसर ज़ीरो आ गया है, और जो नीचे वाला इसका पार्ट है उसमें क्या आया है, इसका आंसर आया 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ज़ीरोज, बट एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट ज़ीरोज, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसी का एट्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 अपॉन 2, ठीक है। इस पी एक्स में जो इक्वेशन दिया है उसमें वैल्यू पुट करनी है 1 अपॉन 2, ठीक है। जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ओके। अब लिख लेती हूँ p 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, इसका मतलब p 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो x 1 अपॉन 2 इज नॉट अ ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से इसका एट्थ पार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया है बच्चों, ज़ीरो फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो क्या लिखेंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो ये क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस 5 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। आपने इक्वेशन सॉल्व की है ना, अगर हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरी तरफ एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 5 था, यहाँ आकर माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, और अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो लिखेंगे x इक्वल टू प्लस 5, ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर से हम लिखेंगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x का नंबर है 2, तो पहले 2x को एक साइड रखेंगे, 2x इक्वल टू 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 माइनस 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस 5, या फिर 0 माइनस 5, जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। अब 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 ही आएगा, तो लिखेंगे 2x माइनस 5, ओके। अब 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो 5 के साथ इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख देंगे माइनस 5 अपॉन 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो लिख देंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x को एक साइड रखेंगे, माइनस 2 को इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचा देंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 प्लस 2, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो आप खाली 2, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को ये रखेंगे, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो 2 के दूसरी साइड जाकर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है थ्री के साथ एक्स, तो ये दूसरी तरफ जाके जीरो से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ओके तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी का सिक्स्थ पार्ट है, लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे बच्चों पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स एक साइड पे रखेंगे और ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे ए को, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी का नेक्स्ट पार्ट सेवन्थ पार्ट है बच्चों, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इक्वेशन दी है, ठीक है। तो लिखेंगे पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और इक्वेशन क्या हमारी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, सी को और एक्स को ये रखेंगे, डी को दूसरी साइड पे पहुंचाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स को यहीं रखेंगे और क्योंकि सी के साथ एक्स मल्टीप्लाई में था तो डी के साथ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।